कन्यादान से पहले बाप को आया हार्ट अटैक। बेटी की डोली सजाते ही बाप पहुंच गया अस्पताल। बिटिया को दुल्हन के जोड़े में ना देख सका। आशिकी में हर आशिक मजबूर और बेबस हो जाता है, इतना तक कि इश्क को पाने की खातिर जमीन आसमान तक एक कर देता है। लेकिन कभी कभी इनकी बदकिस्मती इनको इस राह पर लाकर खड़ा कर देती है कि ये लोग जुर्म की दलदल में पाँव रखने से भी बाज नहीं आते। वैसे तो ये पूरी दुनिया मोहब्बत की प्यासी है, लेकिन इस प्यार के वास्ते बेकसूर को भी लोग नहीं बख्शते। हम आपको क्राइम की दुनिया से एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुन किसी भी माँ बाप का कलेजा सिहर जाएगा, उनकी रूह तक कांप जाएगी। दरअसल भोपाल से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की खातिर जो किया वो शायद ही कोई करने से पहले कई बार सोचे। आपको बता दें कि यूपी के ललितपुर की रहने वाली लड़की का रिश्ता भोपाल के डॉक्टर शिवम पटेरिया से फिक्स हुआ, जिसमें शिवम के पिता हरिशंकर पटेरिया ने शादी के लिए दहेज के नाम पर 10 लाख रुपए की डिमांड की। डिमांड के आधार पर लड़की वालों की तरफ से 5 लाख रुपया एडवांस भी दिया गया, जिसके बाद 26 अप्रैल के दिन रिंग सेरेमनी और 9 मई के दिन शादी की डेट फिक्स हुई। घर में खुशियों ने दस्तक दी ही थी, इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिससे लड़की के पिता हॉस्पिटल पहुंच गए तो लड़की बदहवास हाल में अपने घर में टुबक गई। दरअसल डॉक्टर शिवम पटेरिया भोपाल में जॉब करता है। इसकी शादी तय होने के बाद से ही ये लड़का बहुत डिस्टर्ब था, इतना तक कि इसकी बिहेवियर का असर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों पर होने लगा। उधर जैसे जैसे रिंग सेरेमनी की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे ही शिवम की धड़कने तेजी से धड़कने लगी। इस बीच जो खबर सामने आई उसने सबको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। आपको बता दें, इंगेजमेंट के ठीक 2 दिन पहले यानी 24 अप्रैल के दिन शिवम के परिवार को किसी अनजान शख्स से फोन कर बताया कि जिस लड़की से शिवम की शादी तय हुई है वो एक बिगड़ैल और बदचलन लड़की है। बस इतना सुनते ही शिवम के पिता ने लड़की के पिता को फोन लगाया और कहा कि हमें शादी तोड़ रहे हैं। इस पर लड़की के पिता ने कारण पूछा तो सामने से रिप्लाई आया कि मेरे बेटे शिवम को शादी नहीं करने के लिए फोन पर धमकाया जा रहा है, इसलिए ये शादी हम नहीं कर सकते, आपकी बेटी तो। संधि से सुनते ही लड़की के पिता घबरा गए और आनन फानन में घर में सबको इसकी जानकारी दी। लेकिन बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ता देख बाप से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और मौके पर ही जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ये पता चला कि उनको हार्ट अटैक आ चुका है। ये सुन लड़की और घर वालों पर तो मानो पहाड़ सा टूट गया। दूसरी तरफ लड़की के घर वालों को अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा था, फिर तो उन्होंने शिवम के परिवार से फोन पर बताया कि इस मामले में कॉल रिकॉर्ड्स और नंबर की डिटेल्स। बस फिर क्या था, सारे सबूत लेकर घर वालों ने फौरन साइबर पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस भी फौरन जांच में जुट गई। पुलिस ने जब फोन नंबर की डिटेल्स निकलवाई तब सामने आया कि नंबर विजित दास नाम के एक शख्स का है। फिर तो कॉल ट्रेसिंग के जरिए पुलिस ने फौरन विजित को उठाया और सख्ती से पूछताछ की। विजित ने बताया कि डॉक्टर शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड के कहने पर उसने ऐसा करने की सुपारी ली थी। ये सुन सबके कान खड़े के खड़े रह गए। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर शिवम पटेरिया, शिवम की गर्लफ्रेंड वारिया रॉबर्ट, शिवम के पिता हरिशंकर पटेरिया समेत विजित दास को आरोपी बनाया। लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि शिवम की गर्लफ्रेंड वारिया रॉबर्ट पैरा मेडिकल स्टाफ है, इसके साथ ही विजित भी मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं।